तो गाइस वर्चुअल डीजे में न्यू अपडेट आया था, बहुत पहले ही आ चुका था। तो कुछ लोगों को इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा था कि उनका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या था कि वर्चुअल डीजे अपना न्यू जब लॉन्च किया था अपडेट में, तो उन्होंने क्या किया था कि जब हमारा मैपिंग होता है ना, जिससे हम जैसे कि कमांड देते हैं कि हम भाई स्पेस दाबेंगे तो मेरा प्लेयर पाउज होगा, और टैब दाबेंगे तो मेरा सेलेक्ट डिस्क ए से बी कन्वर्ट होगा, तो इस तरीके से था। तो देखिए मेरा ठीक काम कर रहा है और आपका नहीं काम कर रहा, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे काम करेगा। सेटिंग में रहिएगा, इस जगह से सेटिंग में गया, मैपिंग पे जाइएगा, ये देखिए ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा, ये कस्टम मैपिंग पे रहेगा, ये किसी भी जगह पे रहेगा। आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट पे इसे सेट कर दीजिएगा, वो पहले जैसा हो जाएगा। ये न्यू सिस्टम इसलिए दिया था कि जितने प्रो लोग हैं वो लोग, या जिन्हें अपने अनुसार से सेटिंग करना है, कि जैसे कंपनी हमें बना के देती कि अल्ट प्लस हम स्पेस दाबेंगे तो एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा, यही था। तो आप उसको और भी एडवांस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा हुआ था ए दाबते थे तो हमारा, मतलब जैसे अब जैसे समझा आपको, इसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैपिंग करना सिखा दूंगा कि कैसे वर्चुअल डीजे को मैपिंग करें अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए। और ये नहीं सिखाऊंगा कि इस तरीके से मैपिंग करें तो आप मिक्स कर लीजिए, ये सिखाऊंगा कि मैपिंग किया कैसे जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको इच्छा करे, अब जैसा ही आपको सुविधा लगता है मिक्स करने में आप अपने अनुसार से मिक्स कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है इंस्टॉल करने पर वर्चुअल डीजे, तो इस जगह पर जाइएगा और डिफ़ॉल्ट पे कर दीजिएगा, फैक्ट्री डिफॉल्ट लिखा हुआ है जगह पे, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये बगल में सेव है, सेव कर लीजिएगा, तो आपका कीबोर्ड जो है काम करना शुरू कर देगा, मतलब कि आपका पुराना वाला जो वर्चुअल डीजे था वैसा हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो सीख लेता।